हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा गाइस कि आपका भाई जो सबसे पहले वीडियो लेके आने की कोशिश करता है। सो गाइस, क्या ही बोले सर जी, आपका जो है 22 तारीख को ये अल्टीमेट वाला बंडल भी रिडीम हो गया, तो आप जो है यहाँ पे ये रिडीम कर सकते हो जाके। तो रिडीम सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मेरे पास इतने सारे टोकन है यार, क्या ही बोले सर जी। तो कन्फर्म करते हैं और इसको फटैक से कन्फर्म तो कर लिया हमने रिडीम। अभी गाइस हम जो है कैरेट भी ले सकते हैं, बट हम शार्क टोकन ही लेंगे। क्या पता कब अपग्रेड करें, लूट बॉक्स वगैरह हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अभी भी नहीं हुआ क्या? अरे यार हद है यार, तो ये भी ले लेते हैं। तो अभी क्या रह गया अपना वेपन रॉयल और ये। तो इसके जो मिस्ट्रिकल के देते हैं, ए के तो हमारे पास बहुत अच्छी है। अरे कितने ले सकते हैं वैसे इसके कैरेट? तो यहाँ पे गाइज मतलब ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ले सकते हैं यार। हद यार, मतलब ये टोकन से हम लिमिट ही नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा है गाइज। देन गाइज अभी चलते हैं, बंडल क्लेम करके दिखा दिया अपने को, तो ओपन भी तो करना होगा। अभी ये कैरियट है तो ये बंडल है अपना, तो इसको ओपन करते हैं और क्विक इक्विप करते हैं। रुको जरा, तो अभी करते हैं। तो कर दिया। तो गाइज वन बाय वन देखते हैं मास्क हटा के कि कैसा लग रहा है। तो काफ़ी ओपी है वैसे दिखने में। ओ भाई साहब डरावना भी है यार, आता है। तो नया ओपन हुआ है, क्या हुआ है? ये वाला तो मैं पहले ही लगाया हुआ था शायद। सही है यार, बाल भी हेयर भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा बंडल है, फ्री में देखने को मिला यार। और Let's गाइज get the party started. मतलब हाथ भी काफ़ी अच्छे हैं यार, ओपी है सर जी, ओपी। तो गाइज आपका इस बंडल के प्रति क्या राय है, आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मेरे को तो अच्छा लगा काफ़ी। तो अभी गाइज फटैक से चलते हैं, अपना न्यू इवेंट आया तो होली फेस्टिवल फाइट फॉर कलर्स के अंदर चलते हैं फटैक से। तो गाइज यहाँ पे फाइट फॉर कलर्स तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो कंप्लीट कर ही लेगा। भाई ने आपको इतने प्यार से समझाया था, भाई टाइम लेता बट आपको बिल्कुल प्यार से समझाया। तो गाइज यहाँ पे आपका ग्लोबल जो डीमन नेस्ट प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पे कस्टम क्लेम कर लेना। क्लेम करने के बाद गाइज योर ट्रू कलर पे चल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यू सी फाइव पाथ विच वन डू यू चूज़। सो यहाँ पे रेड और येलो, द ब्लू, द ग्रीन, द मोस्ट कलरफुल पाथ। तो गाइज फर्स्ट तो अपना रेनबो कलर था ना, तो रेनबो चूज़ कर लिया। सो गाइज यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपका कोई पाथ ब्लॉक कर रहा था तो इसका चूज़ करेंगे हम। तो क्लेम किया था, ये भी नहीं हो सकता। शूट और अटैक्ट अनटिल द ब्रेक, वर्क विद फ्रेंड्स टू मूव इट असाइड्स। शूट और अटैक इन दोनों में से हो सकता है, तो गाइज वर्क विद फ्रेंड्स टू मूव असाइड्स, तो इस पे क्लिक कर लेता हूँ मैं तो। सो गाइज अगर आपके पास अजीब सी फुटप्रिंट आ रही थी आपके नियर बाय में, तो वो अगर एनिमी था तो आपने क्या किया? सो गाइज यहाँ पे मेरे को सबसे चाहिए आंसर लिख रहा है कि हमने जो लैंड माइन लगा लिए थे एंड अब हम उसके फूटने का इंतज़ार कर रहे थे। और हम जो है ये भी चूज़ कर सकते कि हमने डायरेक्टली रश कर दिया था जैसे ही साउंड आया था। तो इन दोनों में से चूज़ कर लेना, मैं इस पे कर रहा हूँ। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुट स्टेप टर्न आउट अनदर सर्वाइवर, हाउ डू यू अपोलाइज। तो आपने डायरेक्ट सॉरी बोला या फिर कुछ प्रेजेंट किया, या फिर गाइज आपने बोला कि ये जोक है, या फिर गाइज ये फेयर है अटैक बैक। तो यहाँ पे मैं तो यही चूज़ करने वाला हूँ, काफ़ी फनी आंसर है। यू बिकेम फ्रेंड्स एंड टीम अप टू डिफीट डीमंस, व्हाट इज़ योर रोल। तो गाइज मेरा तो यही है कि द स्नाइपर अटैक्स फॉर अ फेयर जॉब, यही है। तो यही मेरे को अच्छा लगता है, यू फाउंड द डेमन्स हाउ डू यू डिफीट हर। सो यहाँ पे भी हेड शॉट हर विद ए राइफल, तो ये चूज़ कर लेते हैं अपन। सो गाइज इसमें पूछा कि अभी आपके मतलब बस की नहीं रही है, तो आपने किसको मदद के लिए बुलाया, मीशा केली हयात तो या फिर अपने दोस्त को। तो यहाँ पे ये तो ए फ्रेंड यूज़ द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, ओ माय गॉड, तो यही चूज़ करते हैं अपन। तो गाइज फाइनली आपने जब डीमन को हरा ही दिया, तो विच इमोट यू यूज़ टू सेलिब्रेट, वन फिंगर पुशअप, मून फ्लिप, शेक विद मी, लोल। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट वाला दिखा सकते हो वैसे तो, बट आपको मिला ही नहीं तो कहाँ से दिखाओगे यार, हाथ दे
मतलब शेक विद मी, मून फ्लिप तो मेरे को भी नहीं पता, तो लोल वाला ही सिलेक्ट करते अपन। तो गाइज फाइनली एक और क्वेश्चन पूछा है इसने कि अगर आपके टीम वाले खेल रहे हैं तो उसके बाद आप जो है अलग से कोई मतलब स्क्वाड वगैरह बुलाते हो या फिर क्या आपका रिएक्शन या एक्शन रहता है। तो गाइज अगर आप मतलब कि कीप प्लेइंग टुगेदर इन ए डिफरेंट मोड तो दूसरा मोड खेलने चले जाते हो, या फिर जो है आप उनके लिए होते ही कुछ और ऐड बंदे कर लेते हो, तो यहाँ पे हम तो अनदर जो है मोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। योर जर्नी इज ऑलमोस्ट ओवर, हाउ डू यू फील। सो गाइज फाइनली आपकी जो जर्नी कम्प्लीट हो चुकी है तो कैसा फील कर रहे हो ये पूछ रहा है। तो कुछ अचीव ही किया होगा यार हद है, तो 23% और मेरे को मिल चुका है ग्रीन। तो ये आप टेस्ट जो दोबारा से भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हमें 23 मिल चुका है। तो गाइज ये इवेंट बस इतना ही है, इसके बाद गाइज आपका नेक्स्ट इवेंट रिस्टोर द कलर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइज आपको जो है कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो गाइज मेरे को ग्रीन के 3 मिले। तो ये इवेंट की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ जाऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी ही पसंद आई हुई, तो मेरे को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे हैं गाइज। तो आप भी जो इस पे थोड़ा सा टाइम लगा के जो है अच्छे से आंसर देने की कोशिश करना और आपको उतने ही ज़्यादा कलर मिल जाएंगे। तो गाइज आपका जो है रिस्टोर द कलर की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइज मैं बनाऊंगा आराम से प्यार से वीडियो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो गाइज मॉर्निंग के अंदर आई थिंक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और प्यार देना अपना कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना जाने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइज, लव यू ऑल।